Good morning, students. Welcome back. Today we have our SST class. So in our SST class, we will be reading lesson 2, the Northern Mountains. In our last chapter, we read about the physical divisions of India. One of the division was Northern Mountains. Today we will read in detail about Northern Mountains. So, Northern Mountains are divided into two sections, basically the Himalayan and the Karakoram mountain ranges and the Purvanchal hill ranges. Himalayas. Himalayas stretch from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh. That means, wo Jammu Kashmir se leke Arunachal Pradesh tak phele hue hain. Most peaks remains covered with snow throughout the year. Iski jo chotiyan hain, zyadatar chotiyan pure saal barf se ढकी हुई रहती है. माउंट एवरेस्ट इसकी हाईएस्ट पीक है जो कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे बनी हुई है. अगर हम बात करें हिमालयस की तो वो तीन पैरेलल एक के नीचे एक बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम. दैट इज ग्रेटर हिमालयस जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, मिडल हिमालयस जिसे हिमाचल भी कहा जाता है, द आउटर हिमालयस जिसे शिवालिक रेंजेस भी कहा जाता है. ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस जो है एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर है. इसके ऊपर ये काराकोरम पास है. एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर है, ये हाईएस्ट है. तीनों रेंजेस जो हिमालय की तीन रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और आउटर हिमालयस, इनके तीन रेंजेस में ग्रेटर हिमालयस सबसे ऊपर सबसे ऊंची है जिसकी ज्यादातर चोटियां बर्फ से ढकी हुई रहती है. ग्लेशियर्स जो है उनमें से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये सारे रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं. अगर मैं हिमालयस की बात करती हूँ, हिमालयस तीन हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं. दैट इज ग्रेटर हिमालयस, दीज आर द मिडल हिमालयस एंड द लोवेस्ट इज द आउटर हिमालयन रेंजेस. सो मैंने आपको ग्रेटर हिमालयस के बारे में बताया जिसमें कंचनजुंगा, ग्रेटर हिमालयस में एक ऊंची पीक है कंचनजुंगा. उसके बाद आते हैं मिडल हिमालयस. मिडल हिमालयस जो है साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस के नीचे है. दैट मींस साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयस ये जो है वो पूरे घने जंगलों से ढके हुए हैं जिसमें पाइन, फर और देदर ये नाम के पेड़ पाए जाते हैं. दीज ट्रीज आर फाउंड हियर एंड मेनी हिल स्टेशंस आर फाउंड लाइक शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग. दीज आर द हिल स्टेशंस वेयर वी गो फॉर ड्यूरिंग समर्स. नाउ द आउटर हिमालयस, आउटर हिमालयस मिडल हिमालयस के नीचे, जैसे सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालयस, उसके नीचे मिडल हिमालयस और मिडल हिमालयस के नीचे आपके आउटर हिमालयस. आउटर हिमालयस मिडल हिमालयस के साउथ में है. इनकी हाइट सबसे कम है. ये रेंज जो है इसमें बहुत सारे जंगल हैं, इसमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं. नाउ काराकोरम माउंटेन्स, दीज आर काराकोरम माउंटेन्स. काराकोरम माउंटेन्स जो है ये जो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालयस, ये नॉर्थ वेस्ट है हिमालयस का. यहाँ पे काराकोरम माउंटेन्स है. इसके पास से रिवर इंडस निकलता है जो कि काराकोरम माउंटेन रेंज के बराबर में है. हाईएस्ट पीक और इंडिया की हाईएस्ट पीक वो है माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो कि काराकोरम माउंटेन रेंजेस में पाई जाती है. इसका दूसरा नाम है K2, माउंट गॉडविन ऑस्टिन इसका दूसरा नाम है K2. अब हम यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे. यहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं. जम्मू कश्मीर जो है वो हिमालयन और काराकोरम रेंजेस में पाया जाता है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा भी हिमालयाज में पाया जाता है. अब यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन या काम धंधा क्या है, फार्मिंग. ड्यू टू लैक ऑफ प्लेन लैंड फार्मर्स हैव कट स्टेप्स और टेरेसेस अलोंग द स्लोप्स. ऑन दीज स्टेप्स दे ग्रो राइस, मेज, बार्ले एंड पोटेटो. अब देखो यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स आपको पता है स्लोपी होते हैं, तो प्लेन लैंड नहीं है उनके पास. अब फार्मिंग प्लेन लैंड में हो पाती है तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, माउंटेन्स को काट काट के सीढ़ियां बना ली. सीढ़ियां बना के फिर वहां पे फार्मिंग करते हैं. जो सीढ़ियां बनती है और वहां पे जो फार्मिंग होती है उसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं. क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग.
दैट इज कॉल्ड एज टेरेस फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ के लोग टेरेस फार्मिंग के थ्रू राइस, मेज, बार्ले और पोटेटोज उगाते हैं। कुछ लोग जो है वो शिप रियरिंग भी करते हैं और लकड़ी, क्योंकि देखो ये जंगल होते हैं यहाँ पे तो लकड़ियां बहुत पाई जाती है, तो वुड कार्विंग, लकड़ियों में खुदाई काम भी करते हैं। नेक्स्ट पेज, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है दैट इज फेमस फॉर एप्पल, यहाँ के एप्पल ऑर्चर्ड्स और सेफ्रन। सेफ्रन आप लोगों को पता है क्या होती है? सेफ्रन इज केसर, जो है कई बार दूध में वगैरह में यूज होती है, इवन कई मिठाइयों में भी यूज होती है। यहाँ के लोग लॉन्ग वुलन, लंबा सा वुलन कुर्ता पहनते, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ के लोग वुलन कुर्ता पहनते हैं जिसे फिरान कहा जाता है, और उस कुर्ते के नीचे सलवार पहनते हैं। अब ड्यूरिंग समर विंटर्स वो लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में एक टो एक बास्केट जैसा रखते हैं जिसे कांगड़ी कहा जाता है। उस बास्केट के अंदर गरम कुछ रखा हुआ रहता है जिससे कि वो अपने आप को वार्म फील करते हैं। यहाँ के लोग इस समय में एक स्पेशल ड्रिंक पीते हैं कहवा, जो कि हम लोग चाय पीते हैं वैसे ही उनका ड्रिंक होता है कहवा, एक तरह की चाय ही होती है ये, दिस इज अ काइंड ऑफ अ टी। नाउ जम्मू कश्मीर ऑल ऑफ यू नो इट इज अ स्पेशल अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट यहाँ पर घूमने बहुत जाते हैं। श्रीनगर, गुलमर्ग, अमरनाथ और लद्दाख, ये चार मेन प्लेसेस हैं जहां पर टूरिस्ट घूमना बहुत पसंद करते हैं। नाउ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की एप्पल्स अगेन बहुत फेमस है, यहाँ भी एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं। यहाँ के लोग एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स पहनते हैं, ठीक है, ये कुल्लू मनाली में ऐसी कैप्स पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी कैप्स पहनते हैं जिसे कुल्लू कैप्स कहा जाता है। यहाँ के लोग स्कार्फ्स पहन, विमेन स्कार्फ्स पहनती हैं जिसे धाजू कहते हैं, स्कार्फ्स पहनते हैं जिसे धाजू कहते हैं। यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है कुल्लू दशहरा, यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है कुल्लू दशहरा। और यहाँ पे शिमला, डलहौजी और मनाली, ये तीन टूरिस्ट अट्रैक्शन की चीजें हैं। नाउ द नेक्स्ट इज उत्तराखंड, वी रेड अबाउट जम्मू कश्मीर, वी रेड अबाउट हिमाचल प्रदेश, नाउ इट इज टाइम फॉर उत्तराखंड। उत्तराखंड के बासमती राइस, लीचीज और प्लम्स बहुत फेमस हैं, दे आर वेरी फेमस एंड वेरी टेस्टी ऑल्सो। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है नाम सुन के, सो ट्राई इट एट योर होम। कुछ लोग यहाँ पे जो पीपल हैं, वीव्ड वूलन शॉल्स और स्कार्फ्स और रग्स इनका यूज करते हैं, वीव करते हैं मतलब बनाकर बेचते हैं वूलन शॉल्स, स्कार्फ्स और रग्स। मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार टूरिस्ट अट्रैक्शन की चीजें हैं, मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, दिस इज द अट्रैक्टिव थिंग्स फॉर टूरिस्ट। नाउ सिक्किम, सिक्किम इज फेमस फॉर ऑरेंजेस, कार्डेमन एंड ऑर्चिड्स। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपने एप्पल देखी थी, हिमाचल प्रदेश में एप्पल थी, उत्तराखंड में राइस, लीची और प्लम्स, बट इन सिक्किम व्हाट डू वी फाइंड, ऑरेंजेस, कार्डेमन एंड ऑर्चिड्स। कार्डेमन पता है किसी को, कार्डेमन किसे कहते हैं, डू यू पीपल नो? ओके, कार्डेमन इज इलायची, आई नो यू ऑल ऑफ यू नो इट। एंड ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स किसे कहते हैं पता है, ऑर्चिड्स आर वेरियस फ्रूट गार्डन्स, उन्हें ऑर्चिड्स कहा जाता है। एंड ऑरेंजेस ऑफ कोर्स यू पीपल नो इट, आप लोग सभी खाते हो। सम मैन एंड वीमेन वियर लूज गाउन हियर, लूज सा गाउन पहनते हैं। यहाँ पे देखिए ये सिक्किम गर्ल है, इसने एक लूज सा गाउन पहन रखा है जिसे भाकू कहा गया है, और ये गाउन जो है वो यहाँ से कमर पे बंधा रहता है, वेस्ट पे बंधा रहता है, इट इज कॉल्ड भाकू। इवन इसके साथ ये लोग कलरफुल ज्वेलरी भी पहनते हैं जो कि मोतियों से बनी रहती है, दे वियर कलरफुल ज्वेलरी विच इज मेड ऑफ बीड्स। यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करें तो गैंगटॉक और पेलिंग, ये दो जगह लोग घूमने आते हैं, गैंगटॉक एंड पेलिंग।
So hope you would have understood this lesson. If you have any doubt, do message me or call me. And your homework for the day is you will do this checkpoint on your own. All the answers are in the previous section. So do it on your own. Okay, students. Goodbye.